तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे ही, दिन की शुरुआत हो गई थी। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं 6:30 बजे के करीब। और आप लोग आज देख रहे होंगे कि सुबह सुबह ये जंगलों के बीचों बीच कहाँ आ गया है। बाकी मतलब देखने में तो मस्त लग रहा है, बिल्कुल हरा भरा जंगल हो चुका है। बारिश भी हुई है, धूप भी निकल रही है, मस्त व्यू है यहाँ से एकदम। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत इतनी जल्दी तो हो रही है क्योंकि हम मतलब मैं सामान लेके ऊपर जा रहा हूँ। आज भागसुनाग से लेटा करके एक जगह है, वहाँ जा रहा हूँ सामान लेके। वहाँ पे हमारा एक पुराना घर है, मतलब कई सालों से मेरे दादा दादी मतलब मेरे पापा के दादा वगैरह भी वहाँ रह चुके हैं, वहीं रहते थे वो पहले, ठीक है। तो अब वो मतलब थोड़ा उसकी हालत ठीक नहीं है, मतलब उसको रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट कर दिया लगभग, पर थोड़ा सामान कम पड़ गया था। तो उसको उस सामान को लेके हम लोग जा रहे हैं ऊपर ना, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अब ऊपर जाके मिलूँगा मैं ना, मतलब जगह वो वाली है जो आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखी होगी, जहाँ वो माता का मंदिर है। एक दो बार मैं वहाँ जाके मैंने वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाई है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं ऊपर जाके। ये शिव कैफ़े है, बाकी एक बार यहाँ से व्यू एंजॉय कर लो। वाह, मस्त व्यू है। और वाह, अभी मैं पहुंच चुका हूं मैगी पॉइंट। और ये जो आप व्यू देख पा रहे हैं, ये मैगी पॉइंट से है। शूट कर रहा हूं मैं ये सब। नीचे धूप लग पड़ी है, अभी यहाँ ऊपर कोई धूप नहीं है। और ये मेरा गांव, और ये मेरा घर, ये दिख रहा होगा आपको। ये लंबा सा जो है उस साइड में एक और, वो जो है ये मेरा घर है। एंड दिस इज द मैगी पॉइंट। और मुझे अभी जाना पता कहाँ है, यहाँ ऊपर। और ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। और यहाँ से क्रिकेट स्टेडियम चमकता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं अगर। ये स्टेडियम है, और स्टेडियम के साथ ही ये जो पेड़ से दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, बस यही हमारा कॉलेज है। ये लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको स्टेडियम के साथ ही जो है, और ये वाली जो खाई सी दिख रही है, ये सुसाइड पॉइंट है, धर्मशाला का फेमस सुसाइड पॉइंट। ये धर्मशाला का फेमस सुसाइड पॉइंट क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही बिल्कुल साथ में जो है, ये धर्मशाला का फेमस सुसाइड पॉइंट है। काफ़ी लोग सुसाइड कर चुके हैं यहाँ से। तो ये है हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो क्या मतलब घर टाइप जो भी है। तो ये सब जो है दोबारा से रेनोवेट किया पुराना, और ये सब सामान इसी के लिए लाए हैं यहाँ पे।
दिस इज द टेम्पल, ये माता का मंदिर है। जो मंदिर मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी होगी। मतलब मॉर्निंग वॉक तो वैसे रोज ही होती है, बट मतलब ये इतनी लंबी और सामान के साथ। जय माता दी। वाह, व्हाट अ प्लेस, ब्यूटीफुल, क्या बात है। जय माता दी। पानी की व्यवस्था भी पूरी है यहाँ पे, बाकी ऊपर उतरी उन कुणाल पथरी वाली माता, सब कुछ दिखता है यहाँ से। और भाई इतने ऊपर यहाँ पहाड़ों पे आके चाय मिल जाए ना, करा हा, मतलब ओ भाई मेरे, वाओ। तो जब मैं ऊपर आया था तब नीचे धूप थी, ऊपर धूप नहीं थी, और जब अब मैं वापस जा रहा हूँ तो यहाँ भी धूप आ चुकी है। और जैसे धूप में पहुँचेंगे ना भाई, मुझे लगता है कि हमें गर्मी लगेगी। वाह, मतलब गर्मी फील हो रही धूप की मुझे। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे भी लाइट पड़ रही होगी। तो और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को पता क्या लग रही है, ये पीछे मतलब ग्रीनरी है और ऊपर ये जो आसमान है पूरा क्लियर है आज, मस्त व्यू एकदम, क्या ही बात है। और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, ये एक शॉप है, बाकी वो पीछे भी हैं शॉप्स, और बाकी सब कुछ मस्त है। सो इस जगह का नाम लेटा है, ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं मेरे सामने। और यहाँ से एक बार आपको मैं व्यू दिखा दूँ पूरा 360। वाह, नीचे हॉर्न बज रहे तो वो यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी एक कैंप साइट है, और ये जो आपको पत्थर दिख रहा है यहाँ पे, ये लोग रैपलिंग वगैरह करवाते हैं, मेरे नोन में ये भाई लोग। और लोकेशन मस्त है भाई ये भी। तो जैसे कि आप भी आप लोग देख रहे हैं, मैं घर आ चुका हूँ, काफी देर हो गई मुझे घर आए हुए, और नहा नहूं के मैं रेडी हो गया हूँ बिल्कुल, पूरा शेप भी कर लिया है, थोड़ी सी मतलब ट्रिम कर लिया है दाढ़ी। आई होप कि अच्छा ही लग रहा होगा पहले से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो अभी रेडी होके जा रहा हूँ मैं ऑफिस, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो आज के दिन में ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक। वही इस बंदे के साथ जहाँ भी जाओ ना, ट्रैफिक में फंसाता जरूर है ये। बोला था इसको मैंने, वन वे से डाल ले, कोई नहीं पूछता। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये है, भी है। रात के टाइम ये मंदिर मतलब लाइट ही लाइट हो जाती है ना आगे पीछे, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज इतना क्राउड है नहीं मार्केट में, थोड़ा बहुत ही क्राउड है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, अच्छी बात है यार। कभी कभी थोड़ी शांति भी होनी चाहिए, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता ट्रैफिक की वजह से। जैसे आपने दिन में देखा इतना बड़ा ट्रैफिक था, दिमाग ख़राब हो गया। The next morning. Very good morning to all of you. So, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी ठीक होंगे। और फिर से एक आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली कल का ब्लॉग मैं कल ही एंड नहीं कर पाया, क्योंकि कल कुछ मुझे काम आ गया था बीच में, तो मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाया, और ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाया इतने अच्छे से, और वो उसका
मतलब ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाया, तो आज मैं कल वाले ब्लॉग का एंड मैं आज कर रहा हूँ। पर आज ब्लॉग का एंड करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बाहर जाके डिफरेंस दिखा देता हूँ कि सुबह सुबह मतलब कितना क्राउड रहता है। सुबह सुबह मतलब क्राउड नहीं होता है मार्केट में, मेरा बोलने का मतलब ये कि सुबह सुबह मार्केट में क्राउड नहीं होता है, मार्केट खाली होती है। बाकी ज़्यादा बात करते हुए ज़्यादा बात क्या करनी है मतलब ना, तो आप लोगों को मैं सीधे बाहर जाके डिफरेंस दिखाता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि सुबह सुबह मार्केट में ना क्राउड नहीं होता, इस तरफ भी मार्केट खाली है और इस तरफ वाली भी मार्केट पूरी खाली है। मतलब ना आप देख पा रहे हो कि ना क्राउड है ना कुछ है, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है। पर दिन में और शाम के टाइम तो भाई आप लोगों ने देख लिया होगा कितना क्राउड होता है। और ये वही मंदिर है जो रात को मैंने आपको दिखाया था। सो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि मार्केट में आज सुबह इतना क्राउड नहीं है, मतलब है क्या मतलब सुबह इतना क्राउड नहीं रहता है, शाम के टाइम इतना क्राउड रहता है। तो मैंने ये ब्लॉग कल शुरू किया था, मैंने ये कल ही एंड कर देना था, पर कल मुझे कुछ काम आ गया तो मैं ये ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। बाकी मैं अभी ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। फिर तन बाय बाय।